आकाश और कमला नाम के दो पति पत्नी रामपुर नाम के एक गांव में रहते थे। वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन वह दोनों जंगल के रास्ते से शहर जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। तभी एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। इतने में उनके पास पानी खत्म हो गई। तभी आसपास देखा तो एक स्वामी जी तपस्या करते हुए उनको दिखाई दिया और उनके पास पानी भी थी। तभी आकाश ने ऐसा सोचा, कमला तुम इधर ही रुको, मैं स्वामी जी के पास जाता हूँ और पानी लेके आता हूँ। आकाश तपस्या करते हुए स्वामी जी के पास गया और पानी पूछा, लेकिन स्वामी जी कुछ बोले नहीं। आकाश ने फिर से ऊंची आवाज में बोला, स्वामी जी आप दया करके मुझे ये पानी दे दीजिए, मैं और मेरे पत्नी बहुत प्यासी हैं।